फॉर आया है अगला क्वेश्चन, यहां पर ध्यान दीजिएगा आईसीसी के लिए मैथ प्रश्नावली 5.4 में ये अवकलन ही है जिसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। पर एक निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें, इसका मतलब x के सापेक्ष ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है e के पावर x बटा में sin x, इसको लिखेंगे माना y बराबर e के पावर x बटा में sin x, तो अब क्या करें इसका अवकलन करेंगे dy बटा में dx, u बटा में v के रूप में है तो इसका गुणा हो जाएगा sin x, इसका डिफरेंशिएशन d के पावर x बटा में dx, माइनस होता है इसका गुणा हो जाएगा e के पावर x, इसका डिफरेंशिएशन d sin x बटा में dx, और नीचे वाला का स्क्वायर होता है sin स्क्वायर x। अब क्या करेंगे dy बटा में dx sin x जो कहते हैं, और e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, इसको जो कहते हैं लिखेंगे sin x का डिफरेंशिएशन cos x और बटा में sin स्क्वायर x। अब यहां पर ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि यहां पर e के पावर x है, e के पावर x दोनों में है कॉमन हो जाएगा, e के पावर x बचेगा sin x माइनस बचेगा cos x और बटा में क्या बचेगा sin स्क्वायर x। आंसर अगला क्वेश्चन चलते हैं आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है दूसरा में हर में ध्यान दीजिएगा, माना y बराबर e के पावर sin इनवर्स x है, e के पावर sin इनवर्स यहां पर x है, माफ करिएगा sin इनवर्स x। अब यहां पर क्या करेंगे dy बटा में dx d e के पावर sin इनवर्स x बटा में d x होता है, तो ये समझिए sin इनवर्स x हमारा x का वैल्यू हो गया, तो sin इनवर्स x फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू x d sin इनवर्स x बटा में dx। अब क्या करेंगे e के पावर जो भी रहता है उसका डिफरेंशिएशन जो करते हो sin इनवर्स का होता है 1 बटा में रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना इतना ही कर दो आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा का हल ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि माना y बराबर दिया है e के पावर x के पावर 3 dy बटा में dx d e के पावर x के पावर 3 बटा में dx होता है, तो x का वैल्यू x के पावर 3। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा d x के पावर 3 बटा में x के पावर 3 होगा, और एक बार और डिफरेंशिएशन निकालेंगे dx के पावर 3 बटा में dx, e के पावर का डिफरेंशिएशन जो करते हो पावर पहले x पावर में से वन भर जाएगा, अब e के पावर x के पावर 3 और यहां पर 3 x के पावर 3 में से 1 जाएगा 2, इसको हम पहले भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर e x के पावर 3 आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, तो बहुत ही आसान है आगे चलते हैं कल बनाए।